May I invite Ms. Dalton to the podium for a few words, please? आज के बैनर्जी प्रोटोकॉल इस किताब के विमोचन के लिए पधारे हुए इस देश के संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री गुलाम नबी आजाद साहब, इसी स्टेज पर उपस्थित श्रीमती अपर्णा सेन जी, जिन्होंने अपने कला से इस देश का ही नहीं तो इस देश के साथ में सारे विश्व के अंदर अपना नाम किया है, वे अपर्णा सेन जी, जिनके किताब के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए डॉक्टर प्रसन्न बनर्जी, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम, ये डॉक्टर से भी अधिक एक अच्छे इंसान है, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और देश डॉक्टर के साथ साथ में एक संवेदनशील व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर दवा आज अच्छे ढंग से काम कर सकती है। उन्हीं को साथ देने वाले उनके बेटे प्रतीप बनर्जी जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित कई गणमान्य मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आदरणीय विमान बोध जी हैं, यहाँ पर सनत दत्ता जी हैं, और विशेष रूप से दो ऐसे शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है, उसमें एक ITC के चेयरमैन देवेश्वर जी को मैं दिल से बहुत चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने रूरल इंडिया के लिए जो काम किया हुआ है, और विशेष रूप से मैं जिस विदर्भ से आता हूँ उस विदर्भ के अंदर यवतमाल में सबसे पहले उन्होंने चौपाल शुरू की थी, गरीबों के लिए वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, एक ITC जैसी मल्टीनेशनल कंपनी होने के बावजूद भी उसके लिए मेरे मन में उनके प्रति अगाध आदर है। साथ ही साथ में दूसरे यहाँ पर उपस्थित एक है दालमिया साहब, पूरा देश विदेश उनको जानता है दालमिया साहब को, और अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई उनको कि पूरा क्रिकेट को सफाई करने की, ये साफ सफाई काम यहाँ पर लेकर यहाँ पर पधारे हैं। हम लोग यहाँ पर उपस्थित है रिंकू बनर्जी जी, हम रिंकू बनर्जी को इसलिए भूल नहीं सकते कि सुबह सुबह उनके हाथ का बना हुआ इतना अच्छा नाश्ता किया हम लोगों ने। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के, और उसके साथ साथ में कलकत्ता शहर के सभी आदरणीय गणमान्य, आज ये बहुत खुशी की बात है कि बनर्जी प्रोटोकॉल इस किताब का लोकार्पण समारोह होने जा रहा है। बनर्जी प्रोटोकॉल से और मेरा क्या वास्ता है, सबसे पहला ये प्रश्न आता कि मैं यहाँ पर कैसा हूँ, मेरा वास्ता क्या है। मगर मैंने देखा कि होम्योपैथी जिस ढंग से देश में काम करती है उससे इनका हटके है। होम्योपैथी में लोग सिम्पटम्स देख के उसी प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, मगर बनर्जी प्रोटोकॉल के अंदर देखा कि हर मरीज को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। मैंने जिस प्रकार से उनका काम देखा, उनके लिए जितना साधुवाद दूँ, जितना उनको धन्यवाद दूँ, उतना कम है। वो और उनके बेटे ने मिलकर देश और विदेश के अंदर सही माने में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, उसके लिए बहुत बहुत वो बधाई के पास। मेरा अपना खुद का भी एक वाकया है, जब उनसे मैं पहले बार मिला कि मेरी जो पत्नी ज्योत्सना गए 24 साल वो कैंसर से लड़ रही थी, और जब वो लड़ रही थी तो सारे मेडिसिन लेने के बावजूद में जब मुझे पता चला कि डॉक्टर बनर्जी के पास में कुछ ऐसी दवा है कि जिससे वो ठीक कर सकते हैं, देश विदेश सब हो जाने के बाद में जब डॉक्टर बनर्जी साहब के पास पहुंचा, तो बनर्जी प्रोटोकॉल के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से दवा दी, तो सारे मेडिकल साइंस और मेडिकल शास्त्र ने जो उनकी आयु के बारे में कहा था वो सब झूठ हो गया। करीब करीब वो 24 साल तक बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुल लाइफ लीड करती रही। मैं जानता हूँ कि वो आखिर बच नहीं पाई, इसी 30 मार्च को वो हमें छोड़ के चले गए, मगर जब गई तो उनके चेहरे पे शांति थी, भावना थी, और साथ ही साथ उसी दिन उन्होंने, वो एक एक्टिविस्ट थी, करीब करीब महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने 2,00,000 महिलाओं का एक संगठन 24 साल कैंसर से लड़ते हुए पैदा किया था, बनाया था,
और बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने काम किया था। इसका सारा जो क्रेडिट है मैं डॉक्टर प्रशांत बनर्जी और उनके बेटे को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ में मैं जब यहाँ पर आज उनके क्लिनिक के अंदर जा रहा था और देख रहा था, ऐसे शख्सियत को देखा यहाँ पर जो यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, वो अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों को इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने बैनर्जी प्रोटोकॉल को अपनाया। और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि उनको ब्रेन ट्यूमर होने के बावजूद भी आज उन्होंने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कायम किया और आज 5 साल से अधिक हो गए वो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। बेशक उन्हें लंबी आयु दे, पर ये देखकर मुझे बहुत हैरान भी हुई कि ये अपने आप के अंदर बैनर्जी प्रोटोकॉल की दूसरी करामत मैंने खुद देखा है। तीसरा देखा एक बच्चा जिसके अंदर पैर के अंदर कैंसर हो गया था और वो अभी फुटबॉल खेल रहा है। मुझे विश्वास है कि बैनर्जी प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है जो अफोर्डेबल है, साइंटिफिक चीज़ों का उपयोग करके उन्होंने उसका उपयोग किया हुआ है। आज की जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, यहाँ पर आजा साहब उपस्थित है, इज अ वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बींग, आज वो जो दवाइयाँ मिलती, एक एक इंजेक्शन की कीमत अगर कोई गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। कोई 4 लाख की है, कोई 5 लाख की है, कोई 10 लाख की, कोई 11 लाख का एक एक इंजेक्शन आता है। अगर हम लोग, आजाद साहब ने ये भी कोशिश की है कि करीब करीब 4 से 6 ट्रक ऐसे है कि जिन्होंने अभी जो इतनी महंगी थी उसको अफोर्डेबल कॉस्ट में ले, जो 2.5 लाख का ट्रक था वो अभी 8,000 का कर दिया इन्होंने। तो आजाद साहब ने तो कई हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद में काम किया, उसमें का ये भी एक काम उन्होंने किया है। मगर मैं आजाद साहब, जिस प्रकार से आपने जिनको एंजियोप्लास्ट होता है उनके लिए आपने किया, पहले अमेरिकन जो स्टेन थे उसकी कीमत 1.25 लाख रुपए थी, जर्मन का 80,000 थी, इंडियन तो 60,000 की थी, मगर आजाद साहब ने निर्णय लिया और उस निर्णय के मुताबिक अब सभी सरकारी दवाखानों में 25,000 के अंदर स्टेन मिलेगा। जिस प्रकार से उन्होंने दवाइयों का किया, उसी प्रकार से एक सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया और जिसके लिए मैं उनको पब्लिकली धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो काम किया इन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए। मैं नहीं जानता कितने लोग यहाँ जानते हैं कि जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, विशेष रूप से जो बिलो द पॉवर्टी लाइन होगी, उन लोगों के लिए विशेष दिक्कतें आती है। ये इन्होंने जो स्कीम लाई है वो तो किसी के लिए भी है, चाहे वो मेरे घर की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे आजाद साहब के घर की हो, चाहे गरीब के घर की हो। उसमें उन्होंने किया कि जो गर्भवती महिला है वो अपने घर से तो हॉस्पिटल तक उनको सरकारी एम्बुलेंस से वो जा सकेगी वहाँ पर। इसलिए उन्होंने स्टेट को करीब करीब 10,000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज दिए, मगर किसी कारण से अगर वो एम्बुलेंस नहीं पहुँचता है तो उन्होंने कहा है कि अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी का भी पैसा रीइम्बर्स किया जाएगा। सारी वो उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल में जाने के बाद में, वो पूरी वो उनको मुफ्त में दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी मुफ्त में दी जाएंगी, उनका देखभाल मुफ्त में किया जाएगा। और बच्चा पैदा होने के बाद में अगर वो बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसको भी पूरी मेडिसिन दी जाएगी, उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद में उसको घर तक वापिस छोड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म का उन्होंने काम किया है और जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने दूसरा एक बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरा अच्छा उन्होंने जो काम किया है वो किया, इस देश के अंदर बहुत मुट्ठी भर ऐसे मेडिकल कॉलेजेस बनते थे जिसके लिए 25 एकड़ ज़मीन की मिनिमम डिमांड थी। आजाद साहब ने आने के बाद में कहा कि अगर देश के अंदर अधिक मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, और वो मेडिकल कॉलेज आने के लिए उन्होंने जो कैप था कि 25 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, तो वो उन्होंने 8 एकड़ के ऊपर लेके आए। और साथ ही साथ में जो डॉक्टरों का जो प्रॉब्लम था, तो जो डॉक्टर का प्रॉब्लम था क्योंकि बहुत पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और बाकी के लिए डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो 56 साल की आयु है डॉक्टर की पढ़ा सकते वो उन्होंने 70 उम्र की आयु तक की वो पढ़ाने का उन्होंने जो निर्णय लिया, उसके वजह से करीब करीब 25% विद्यार्थियों का, मेडिकल विद्यार्थियों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। ये विशेष रूप से इन्होंने जो ये निर्णय लिए उसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। आजाद साहब, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों ने रोटी मकान कपड़े की बात की है, उसी प्रकार से आज हमारा जीवन मान बढ़ते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, आज दवाइयों की आवश्यकता, अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता, और विशेष रूप से ग्रामीण भाग के अंदर, गाँव के अंदर। तो अगर आप ये बैनर्जी प्रोटोकॉल को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि
आजाद साहब ने करीब करीब 2 घंटे का समय दिया प्रदीप बनर्जी साहब को समझ लेने के लिए, उन्होंने क्या काम किया कि सर, उसके बाद में वो यहाँ पर आए हैं, वो यूं ही नहीं आए, मगर जब वो आए हैं उसके बाद भी उनके जो साइंटिस्ट की टीम थी उनके साथ भी उन्होंने उनको उनके साथ में वार्तालाप करवाया बैठाया। जब बनर्जी प्रोटोकॉल स्वस्थ है, अफोर्डेबल है, अगर सरकारी मशीनरी अगर इसका उपयोग करे, इसका प्रचार करे, तो मुझे निश्चित रूप से कॉमन आदमी को, गरीबों को दवाइयों का फायदा हो सकेगा, वे स्वस्थ हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं फिर से एक बार बनर्जी साहब को, उनके बेटे प्रदीप बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश के अंदर एक महान काम किया है। करीब करीब 90 देशों में तो आपका काम चल ही रहा है, मगर इस देशवासियों को भी फायदा होने वाला है। और ये जो बनर्जी प्रोटोकॉल का किताब का आज जो विमोचन होने वाला है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ, आजाद साहब को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मिस्टर डॉक्टर।